एक लड़का, एक छोटे से शहर का मिडिल क्लास लड़का, जिसके सपने किसी बहते दरिया की तरह बहुत बड़े थे। जैसा कि यूट्यूबर बनना, एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना और फिल्म मेकिंग में अपने करियर को देखना। लेकिन एक चीज़ थी जो उसके सपनों से भी ज़्यादा बड़ी थी, उसके प्रॉब्लम्स। उसे लगता था कि एक यूट्यूबर बनने के लिए एक अच्छा कैमरा होना तो लाजमी है, कैमरा नहीं तो एक महंगा फोन तो होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि एक मिडिल क्लास लड़का वो सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। बस यही सोच के अपना अक्सर वक्त जाया कर देता था और एक्चुअल में कुछ कर ही नहीं पाता था। जाहिर सी बात है, ख्यालों की दुनिया से निकलेगा तभी तो कुछ करेगा। तो भाई, मेरे पास थे दो रास्ते, या तो मैं गिव अप कर देता, अपने सपनों को छोड़ देता, और दूसरा जो मेरे पास है उसी से ही शुरू करता। क्योंकि जो मेरे पास है शायद वो हजारों लोगों का सपना हो, कभी मेरा भी हुआ करता था। एक 11,000 का फोन, उसी से ही शुरू किया और गिव अप करने का तो जिंदगी में कभी ख्याल ही नहीं आया। फिर क्या, लग गया वीडियोस बनाने, अपने पैशन के पीछे भागने। कभी बड़े बड़े क्रिएटर्स से सीखता था तो कभी उनको कॉपी करने की कोशिश करता था। तकरीबन 20-25 वीडियोस बनाने के बाद कुछ सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए, वीडियोस पर कमेंट्स आने लगे। अपने घर में रहने वाला एक इंट्रोवर्ट लड़का अब लोगों के दिलों में रहने लगा। शायद लोग मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं अब। खैर, कुछ दिन बाद मैं शाम को वॉक पे जा रहा होता हूँ कि मुझे एक रैंडम नंबर से कॉल आती है और मैं बोलता हूँ हेलो। मैं तो उस वक्त हैरान हो गया कि क्या वाकई मुझे जॉब ऑफर हो रही है। उसने कहा कि हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगी हमें, तो क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे एज अ एडिटर। तो मैंने उसको टाइम दिया 2 दिन का। तो 2 दिन सोचने के बाद मैंने उसे कह दिया कल से काम शुरू। देखो, बात सिंपल सी है, स्किल्स की कमी नहीं है तेरे भाई में, पर पैसा नहीं है। तो बिना पैसों के इतने बड़े बड़े सपने कैसे पूरे होंगे, करना पड़ता है ना पैसों के लिए। तो फिर अगले दिन तुम्हारे भाई का था पहला दिन, तो लेट्स गेट रेडी, चलिए चलते हैं जॉब पे। क्या करना पड़ता है ऐसे, लोग सोचेंगे शायद पागल हो गया लड़का। पूरे 2 महीने तक मैंने वीडियोस एडिट की और 2 महीने के बाद छोड़ दिया। अगर आप पूछोगे क्यों छोड़ा, तो मैं उस पर एक वीडियो बना सकता हूँ। उसका रीजन है ना बहुत गहरा है, बहुत डीप उसमें बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। अगर आप कॉमेंट में लिखोगे बनाओ तो बना दूंगा। और इन 2 महीनों में मेरे पास कैमरा खरीदने के पैसे तो नहीं हुए, लेकिन इतने पैसे कमा लिए थे कि मैं एक सेकंड हैंड आईफोन ले सकूं। फिर मैंने आखिर ले ही लिया iPhone 10, जिसको आप iPhone X के नाम से जानते हैं। हाँ, एक सिंपल सा फ़ोन है, एक फ़ोन ही तो है, ओल्ड मॉडल है, बट मेरे लिए ना बहुत बड़ी चीज़ है। कैमरा का सपना पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे। कुछ तो क्वालिटी इम्प्रूव हुई ना, फिलहाल यही बहुत है, इसी से काम चलाएंगे। सपने पूरे करने के लिए तो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कर लेंगे वो भी। लेकिन ये तो प्रूव हो ही गया कि सपने पूरे होते हैं, बस तुम थोड़ा उठो तो अपने सपनों की तरफ एक कदम तो बढ़ाओ, रास्ता खुद बनता जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बहाने मत बनाओ कि मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। वक्त रहते अपने सपने पूरे कर लो, नहीं तो फ्यूचर में सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। कल का इंतजार मत करना, ये तो कभी आएगा ही नहीं, बस अपने आज को खुल के जिए। अगर मैं कहता कि मेरे पास कैमरा आने दो फिर वीडियो बनाऊंगा, तो अब तक मेरी एक भी वीडियो नहीं आई होती। खैर, मैं तो चला, लेकिन आप सब्सक्राइब करके फिर जाना।
हेलो ठीक है। अभी शूटिंग चल रही थी कि सुबह को कॉल आ गई है यार, ये इश्यूज होते हैं यार। और फिर आप कहते हो यार व्लॉग्स नहीं आते, ऐसे दोस्त होंगे तो कैसे बनेगी यार।